हरियाणा वासी कर लो नोट, 21 अक्टूबर को करना है वोट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत सैनी और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश न्यूज़ चंडीगढ़। जी, बात करते हैं चुनावों की। हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव 21 अक्टूबर को होने हैं। जी, सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं और उम्मीदवार अपना प्रचार भी शुरू कर दिया है। मैनिफेस्टो आना बाकी है, लेकिन उससे पहले फील्ड में उतरे हम और हमने जाना कि लोग क्या कहते हैं। और आज हम उतर के आए हैं बरवाला में, जो कि पंचकुला विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। एक देहात एरिया है बरवाला की बात करें तो हमने यहाँ की जनता से जाना है कि यहाँ की जनता के दिल में आखिर कौन है, यहाँ चुनावी माहौल कैसा बना हुआ है, जनता किसे ज़्यादा पसंद कर रही है, किसी पार्टी को, किसी चेहरे को या किसी उम्मीदवार को जनता सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दे रही है। भैया, बात ऐसा है, मुकाबला कड़ा है, कैंडिडेट दो मजबूत हैं, फिलहाल इसमें किसी की जीत निश्चित नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं, काम भजन लाल के लड़के ने भी करवाए हुए हैं, यहाँ पे गुप्ता जी ने भी काम बहुत करवाए हुए हैं, फिलहाल धोनी की कांटे की टक्कर है। तो जैसे कि राजनीतिक पार्टियाँ दावे और वादे बड़े करती हैं चुनावों के आसपास आके, बहुत प्रचार करती हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मतलब आप ग्राउंड रियलिटी पे आप क्या कहना चाहोगे कि वो वादे और दावे पूरे करती है सरकारें? वादे तो ऐसा है जी, मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है, ठीक है। नहीं, बाकी कांग्रेस का तो आजकल ये है कि जोर मार रही है, अभी आने वाले टाइम में देखो क्या बनेगा। कि कांग्रेस पार्टी ठीक है हमारे लिए, हम गरीब जो लोग हैं कांग्रेस पार्टी, अब भी हम तो कांग्रेस की डालेंगे, कई साल से 5-10 साल से जबकि वोट भी नहीं है कांग्रेस की डाल रहे हैं। पहले तो गुप्ता जी का था जी, पर जब से चंद्रमोहन जी आए ना जी, कुछ इनका मुकाबला है, वो भजन लाल जी थे ना जी, इन्होंने यहाँ के लड़कों को नौकरियाँ भी काफ़ी दिलाई थी जी। अच्छा, फिर जो शुरू शुरू में यहाँ पर जो पानी का हुआ था ना, पीने का पानी था जी, जो शुरू शुरू में इन्हें बतौड़ में टंकी रखवाई थी ना जी, ये चौधरी भजन लाल ने रखवाई थी जी, और इन्होंने इस एरिए में, अपने एरिए में तो काफ़ी काम करवाए इसने जी। कि आप जानते हैं 21 अक्टूबर को मतदान है और ये बरवाला एरिया पंचकुला विधानसभा में आता है और सब पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए, तो अब आप क्या सोच रहे हैं कि किस उम्मीदवार का कैसा जोर है यहाँ पे? सब अपने अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, वादे और दावे करने में लगे हुए हैं, तो क्या सोचते हैं आप चुनावों के बारे में? चुनावों के हिसाब से जो आजकल चल रहा है तो ये मतलब कांग्रेस का ज़्यादा चल रहा है इसमें जोर, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इसमें। बाकी ये है कि काम इन्होंने वैसे बीजेपी वालों ने बहुत किए हैं, ऐसी बात नहीं है, काम इन्होंने अच्छे किए थे, लेकिन इनमें थोड़ा क्या है कि इनमें पक्षपात जातिवादी का जो फैलाया है वो गलत है। पिछले 15 साल में तो पहले कोई कुछ नहीं हुआ, जो अब के 5 साल गए हैं इनके अंदर बहुत विकास हुआ है और मोदी जी की तरफ से बहुत अच्छा प्रोसेस रहा है यहाँ पे, तो बीजेपी। पंचकुला में सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, 21 अक्टूबर को मतदान है, तो क्या माहौल देख रहे हो चुनावों के बारे में? तो कुछ नहीं जी, एक तफरा जीत है बीजेपी की, अभी 50-50 चांस लग रहे हैं जो है अभी माहौल पे। वैसे हम तो कहेंगे भी भाजपा को वोट जानी चाहिए, क्यों सेंटर में भी हुई है और काम भी सही हो रहे हैं, बरवाला में तो बढ़िया हो गए, यहाँ पे तो अच्छे काम हुए हैं, चलो नज़दीक में नहीं हुए कोई भी है, और ईमानदार वाली सरकार है ये मतलब अब की बार तो जोर वैसे कांग्रेस या और अन्य पार्टी का है। अब तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि दुकानदार को इस चीज़ से इस टाइम कोई मतलब नहीं है कि कौन जीत रहा है क्या नहीं, उसके अपने इश्यू इतने ज़्यादा हैं कि उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि वो दुकानदारी किस हिसाब से चलाए। तो दोस्तों, आपने देखा कि बरवाला की जनता में क्या चुनावी माहौल बना हुआ है, बरवाला की जनता के दिल में क्या है, देखना ये होगा कि कौन सा उम्मीदवार लड्डू बांटता है और किस उम्मीदवार के लड्डू वापस होते हैं। कैमरामैन कनिष्क शर्मा के साथ मैं हूं पुनीत सैनी, देखते रहिए अर्थ प्रकाश न्यूज़। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।